हेलो दोस्तों, टीम इंडिया श्रीलंका को बुरी तरह से हराने के बाद अब भारतीय हेड कोच राहुल द्रविड़ ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली अगले वर्ल्ड कप मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 घोषित कर दिया है। भले ही टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में लगातार 7 मुकाबले जीत चुकी है और जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है, इसके बावजूद भी भारतीय हेड कोच राहुल द्रविड़ ने 3 बड़े बदलाव कर दिए हैं। राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अगले मुकाबले में हार्दिक पांड्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मुकाबले में मौजूद होंगे, इसीलिए अब टीम इंडिया में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या जब पूरी तरह से फिट है तो ये जाहिर सी बात है कि हार्दिक पांड्या अगले मुकाबले में खेलेंगे, इसीलिए टीम इंडिया में बदलाव होना तय है। और दूसरी बात यह भी है कि इस वर्ल्ड कप में पहली टीम भारतीय टीम है और वही दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम है। ये दोनों टीमों अभी तक सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस करते आई है और साउथ अफ्रीका भी भारतीय टीम से कम नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी इस वर्ल्ड कप में जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दिए है और इन दोनों टीमों के बल्लेबाज भी सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले और दूसरे नंबर पे हैं, इसीलिए साउथ अफ्रीका को कम में आंकना हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हार्दिक पांड्या जब आएंगे तो टीम में बदलाव हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आप लोगों को वो प्लेइंग 11 बताता हूँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल द्रविड़ ने प्लेइंग 11 बताया जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उतरेगी। तो इस प्लेइंग 11 में ओपनर के तौर पे हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा होंगे और उनके साथ फिर शुरुआत करेंगे शुभमन गिल, और तीसरे नंबर पे होंगे किंग विराट कोहली जो पिछले मैच में जबरदस्त सेंचुरी से 49वें शतक चूक गए थे, और चौथे नंबर पे श्रेयस अय्यर ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, चौथे नंबर पे श्रेयस अय्यर ही होंगे, क्योंकि वो भी जबरदस्त तरीके से श्रीलंका के खिलाफ पारी खेली थी। और पांचवें नंबर पे केएल राहुल और छठवें नंबर पे अब हार्दिक पांड्या होंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या अगले मुकाबले के लिए अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और हार्दिक पांड्या को टीम में होना भी जरूरी है। क्या पता किस दिन किस बॉलर का दिन खराब हो जाए, तो एक एक्स्ट्रा बॉलर का ऑप्शन भी होना जरूरी है। और सातवें नंबर पे होंगे हमारे रविंद्र जडेजा, सर जडेजा, और आठवें नंबर पे होंगे मोहम्मद शमी, जिन्होंने 3 मुकाबले में 14 विकेट ले चुके हैं, और उनके साथ पारी की शुरुआत करेंगे जसप्रीत बुमराह, और दूसरे तरफ होंगे मोहम्मद सिराज। इन तीनों मीडियम पेसर ने इस वर्ल्ड कप में ऐसा परफॉर्म दिखाया है कि कोई भी टीम हो, अब इनसे सारी टीमों के बल्लेबाज खौफ खा रहे हैं। और इस प्लेइंग 11 के लास्ट मेंबर होंगे द चाइना मैन कुलदीप यादव। तो इसी प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया उतरेगी जो साउथ अफ्रीका को 5 तारीख को मुकाबला खेलना है, और यह मुकाबला 2 बजे से स्टार्ट होगा। तो हाय दोस्तों, क्या लगता है आप लोगों को कि यह प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका को भी हराने में समर्थ होगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए चलते हैं और अगले वीडियो में इसी जो जुन के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।